अब इसमें गवार की फली ऐड कर देंगे। देखिए एक बार जरूर ऐसा ट्राई करके, फली तो कई तरीके की बनती, एक बार ऐसा भी बना के देखिए आप। थोड़ा अलग अलग बना के खाने की कोशिश करते रहना, एक ही साल में नहीं बनाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज मैं गंवार की फली और खीमा आलू बना रहा हूँ। चलो बनाएंगे, कैसा बनता है देखते हैं। ये मेरी कढ़ाई चढ़ गई, गरम भी हो गई। ये थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। सबसे पहले आलू को तल के निकाल लेंगे। ये आलू है, चार आलू है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। पूरे आलुओं को थोड़ा कलर आने तक तल के निकाल लेंगे। ये आलू अच्छे से तले गए, अब इनको निकाल लेंगे आलू। इसमें दो चम्मच और तेल डाल देंगे। ये गवार की फली है, इसको भी थोड़ा कच्चा पक्का तल के निकाल लेंगे। ये फली थोड़ी तले गई, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी काली थोड़ी लाल मिर्ची है और थोड़ी सी हल्दी है। अब ये फली को भी निकाल लेंगे अच्छे से भुने हुए फली में। इसमें तेल डाल देंगे, ये वही कढ़ाई है, गरम गरम कढ़ाई है, पूरा मिला के 100 ग्राम तेल है। चार डल्ली प्याज है, इसको बारीक कट करके रख ली। थोड़ा इसका अच्छा सा कलर बदलने तक तल लिया। ये कुकर में डाल दिए चीजें, थोड़ा हड्डियां और थोड़ा खीमा है। ये 250 ग्राम खीमा है, ये हड्डियां हैं, ये हड्डियां गलना है, कुकर में पलटा दिए। अब इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये। 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खीमे में बन रही है गवार की फली आलू, एक बार आप भी ऐसे जरूर ट्राई करके देखिए। बहुत लजीज और मजेदार बनने वाली फली है ये। ये 250 ग्राम टमाटर है, ये अच्छे से कट करके रख लिए, ये भी डाल देंगे इसमें, इसको भी मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देके इसको 2-3 सीटी आने तक का पका लेंगे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल दिए, 2 सीटी हो गए फुल फ्लेम पे। इसको मिक्स कर लेंगे। ये खीमा भूनते भूनते 2 मिनट हो गए। अब इसमें गवार की फली ऐड कर देंगे। देखिए एक बार जरूर ऐसा ट्राई करके, फली तो कई तरीके की बनती, एक बार ऐसा भी बना के देखिए आप। थोड़ा अलग अलग बना के खाने की कोशिश करते रहना, एक ही साल में नहीं बनाना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर, ये तले हुए आलू ये भी डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके एक सीटी आने तक के कुकर का ढक्कन लगा के रखेंगे। अब इसमें ढक्कन लगा के रखेंगे 1 सीटी के आने तक। आलू और फली अच्छे से गल जाते हैं। आलू और फली अच्छे से गल गए, मैं कुकर में से निकाल दिया, जरा उसमें भूलने नहीं आता। ये बड़े चौड़े वाले
बर्तन में निकाल लिए। अब इसको 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे मेथी की भाजी है, 2 कट्टे मेथी की भाजी है, साफ धो के पानी निथार के डाल देंगे। थोड़ा सा करियापक है, थोड़ा सा पुदीना है, 2 से 3 हरी मिर्ची है बीच में से कटी हुई है, ये भी डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक 2 मिनट के आस्ते अच्छा ऐसे मिक्स करते रहेंगे। ये भूनते भूनते 2 मिनट हो गए। अब इसमें बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा। ये क्या डाले अपन, मेथी की भाजी है, हरा मसाला करियापक है। देखो एक बार जरूर ये सालन बना के ट्राई करके देख के दुआ देना मैं कौन सा सालन बनाऊं। कमेंट भी करिए, कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, आपका दुआओं का इंतजार है। दुआ बोले तो सब्सक्राइब करते जाइए। अब ये तैयार हो गया सर्व करने के लिए। मैं आपको सर्व करके दिखा दूं। रोटी चावल, चावल के साथ भी अच्छा दिखता, ग्रेवी ग्रेवी है। अब सर्व करके दिखाते। आज मैंने दस्तरखान पे गवार की फली, खीमा और आलू बना। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। ये बहुत अलग किस्म से बना हुआ है और इतना टेस्टी बना, पहले कभी खाए नहीं होंगे आप, ऐसा टेस्टी बना। एक बार ट्राई करके देखें और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ आऊँगा मैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।